तो गाइस किसी को बताइए मत, आज के इस एपिसोड में या फिर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डाबर के हनी के बारे में और देखेंगे कि ये कितना शुद्ध हनी है। तो देखिए, ये छोटी सी क्यूट सी बॉटल आती है 20 रुपए की और इसके पास सारे लाइसेंस है, तो उस हिसाब से ये होनी चाहिए शुद्ध। तो इस बॉटल को चलिए खोलते हैं। लेकिन यार, इस बॉटल को खोलने में बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई क्योंकि छोटी सी बॉटल है, उसको क्या ही बोल सकते हैं हम। तो फिर मैंने उसके अंदर चाकू घुसेड़ दिया और इस बॉटल की रिंग को ही फाड़ दिया। और अभी मैं इसको खोल के आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर का हनी कितना शुद्ध है। इतना टेस्टी हनी, यम 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 यम। इसको डायरेक्ट चाट जाने का मन कर रहा है मुझे। मुझे हनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बचपन में मुझे हनी ज़रा भी पसंद नहीं था, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि मुझे हनी आजकल पसंद है। तो ये देखिए, ये है एक स्टिकी नोट या फिर एक कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। एक्चुअल नोट जलाने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था, इसके लिए मैंने एक साधारण सा पेपर लिया। तो फिर भाई, अगर ये ओरिजिनल हनी है तो इस लाइटर से या फिर आग से ये जलना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये हनी ओरिजिनल है या नहीं। तो लाइटर से मैं हनी को जला रहा हूँ और पेपर नहीं जल रहा है, अभी तक तो नहीं जल रहा है। उसके अंदर से कुछ तो बुड़बुड़े निकल रहे हैं, बुलबुले, लेकिन पेपर नहीं जल रहा है। मेरे हिसाब से तो यह हनी एकदम शुद्ध है। तो थोड़ा सा और जला के उसको देखते हैं, अभी तक पेपर नहीं जल रहा है। साइड से ओहो, थोड़ी सी आग लग गई, बट इतना अगर मैं जलाऊंगा तो वो जलने ही वाला है भाई, क्योंकि सूखेगा भी तो ना हनी। तो ओहो, साइड से आग लग चुकी है। आप ये सारे स्टंट्स घर पे ना दोहराएं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, आप कुछ भी जला सकते हो। तो ये डाबर हनी देखने के बाद और इसका निरीक्षण और इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि ये हनी ओरिजिनल हनी है। तो इसको खाने के पहले ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपको भी लग रहा है कि ओरिजिनल है तो फिर सही है, नहीं लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ।